सुजुकी मोटरसाइकिल भारत में परीक्षण कर रहा है कि भारतीय बाजार के लिए इसकी पहली ईवी क्या हो सकती है। ब्रांड के लोकप्रिय मैक्सी स्कूटर पेशकश बर्गमैन स्ट्रीट के आधार पर नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल के अंत में भारत में लॉन्च हो सकता है। रुशलाने वेबसाइट से लीक की गई तस्वीरें बर्गमैन इलेक्ट्रिक स्कूटर को बिना किसी छलावे के दिखाती हैं और यह अपने आईसी इंजन संचालित संस्करण के रूप में एक ही स्टाइल है। हालांकि कुछ अंतर हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहन के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। नए इलेक्ट्रिक बर्गमैन स्कूटर को साइड पैनल के निचले हिस्सों और सामने वाले हैंडल बार के पास नीले हाईलाइट के साथ देखा जा सकता है। एक और अंतर निकास पाइप की स्पष्ट अनुपस्थिति है। लिथियम आयन बैटरी पैक से अतिरिक्त वजन को संभालने में सक्षम होने के लिए स्कूटर अब एक डुअल शॉक एब्जॉर्बर के साथ आता है। उपर्युक्त अंतरों के अलावा सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोटोटाइप संस्करण में पेट्रोल संस्करण की सभी समान विशेषताएं हैं। इसमें एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं, जो ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ पेश किए जाएंगे। स्कूटर में ट्यूबलेस टायर्स के एक ही सेट की सुविधा होगी, साथ ही इसमें स्टाइलिश अलॉय व्हील भी मिलेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर की शक्ति अपने प्रतिस्पर्धियों के समान हो सकती है। इसमें सिंगल चार्ज पर लगभग 90 किलोमीटर की समान रेंज भी शामिल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर टॉप स्पीड 80 किलोमीटर घंटा की रेंज में हो सकती है। नई बर्गमैन इलेक्ट्रिक में लगभग 3 से 4 घंटे का चार्जिंग टाइम होगा। सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में ब्रांड का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने की उम्मीद है। एक बार भारत में लॉन्च होने के बाद बर्गमैन इलेक्ट्रिक की कीमत अपने प्रतिद्वंद्वियों के समान हो सकती है, लगभग 1.10 लाख रुपए।